तो ये हमारा नुकसान हुआ बेस ट्यूब लगाने की वजह से। तो आप लोग भी अब मत लगवाना गलती से। तो जैसे आप बड़ी बाबा आ गए हैं जो कि हमारी इस काम में मदद करने वाले हैं। सीधा पहन पहना तो गाइस यही काम अब हमें करना है। देख सकते हो चिड़ी बाबा आ गए हैं। चिड़ी बाबा तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल विद अवर न्यू व्लॉग। तो आज आपका भाई आपके लिए एक और मज़ेदार व्लॉग ले आया है। तो आज अपना व्लॉग देख सकते हो अपनी गाड़ी से शुरू हुआ है। तो अपनी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो कि आज हम ठीक करेंगे। तो हमारी गाड़ी बहुत ही दिनों बाद घर पे आई है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि हमारी गाड़ी की सीट जो कि है बेच चुकी वजह से मतलब थोड़ी बैठ चुकी थी, लेकिन आज हमारी सीट बीच में से टूट चुकी है। अब हम इसको चेंज करने वाले हैं या इसको रिपेयर करवा सकते हैं तो रिपेयर करवा लेंगे कोई ना। तो आज आपका भाई अकेला ही है। तो अब नेट खोलते हैं और सीट को बाहर निकालते हैं, फिर आगे का सीन देखते हैं क्या बनता है। भाई ये जो सीट टूटने का कारण है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दरअसल हमने अपनी गाड़ी में बेस ट्यूब लगाई थी जिसकी वजह से मतलब हमारी ओवरसाइज थी वो। मतलब गाड़ी में बेस इस गाड़ी में मतलब 8 इंच की बैठती है, तो हमने गलती से 10 इंच की लगा दी जिसकी वजह से सीट को फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वो थोड़ी खिसकी थी। फिर उसके बाद हमने इसके 12 इंच की लगवाई जिसकी वजह से सीट पूरी टूट गई। तो उसकी वजह से हुआ ये सब। तो आप भी अपनी गाड़ी में मतलब आप बेस ट्यूब जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान मोटा खर्चा बैठ गया। आप देखते हैं इसको बाहर निकाल के क्या बनता है। बाकी आप देख सकते हो कि अब हमने इस साइड लगाई हुई है गाड़ी अपनी, देख सकते हो पूरा खाली है। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी मतलब अकेली लगी हुई है। तो अब करते हैं इसकी सीट को बाहर निकालते हैं और आगे का सीन चेक करते हैं अब क्या ही बनता है। चलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक राय देता हूँ कि बेस ट्यूब से बेहतर है आप अपनी गाड़ी में मतलब कुछ और चीज़ लगवा लो, कि जैसे कोई स्पीकर वगैरह होगी जो कि इस साइड पर लग जाए। लेकिन ये बेस ट्यूब मत लगवाना, इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। डालते हैं इनको बाहर। तो चलो पहले सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हो भाई कंबल वगैरह सब कुछ खुला पड़ा हुआ है। तो एक बेस ट्यूब की वजह से गाड़ी में इतना भारी नुकसान हो गया। देखते हैं अब सभी बोतल वगैरह साइड करते हैं। तो आज अपने साथ कोई भी मित्र नहीं है हमारा, तो सभी पता नहीं कहाँ गया, कोई कहीं है तो कोई भी नहीं आया। तो हम आज में खुद ही निकालने के लिए आ गया। देख सकते हो भाई अब तो गर्मी आ गई, अब इसको भी बाहर निकालेंगे। इसका कोई काम नहीं है, मतलब कभी कभी अगर गाड़ी यहाँ बाहर जाती है मतलब जैसे दिल्ली वगैरह साइड, तो उधर ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए हमने इसको रखा था। लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मौसम अब आप लोगों को लगता है कि ठीक ही हो गया थोड़ा जम्मू में। तो अपनी सीट देख सकते हो ये भाई, देखो भाई धूल चेक करो आप एक लोग, देखो चेक करो यहाँ पे आप लोग एक बार तो धूल वगैरह चेक कर सकते हो। तो अब इसको निकालते हैं हम बाहर। तो सबसे पहले हम इसको देख सकते हैं, इसको भी घर पे लेके जाते हैं आज धो के आएंगे। देख सकते हो भाई धूल चेक करो इसमें आज कितनी है। तो अभी आप कैसे निकाले इसको, अभी इसके नेट खोलने पड़ेंगे। सबसे पहले चेक कर सकते हो अब यहाँ से खिसक गई है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से दिख रहा है ना आपको फर्क। चेक करो एक बार, दिख रहा है ना खिसकी हुई, तो यही खिसकी है। अब इसको निकालते हो, चेक करो हमारे चिड़ी बाबा आ गए हैं जो कि हमारी इस काम में मदद करने वाले हैं। तो गाइस यही काम अब हमें करना है। देख सकते हो चिड़ी बाबा आ गए हैं। चिड़ी बाबा तो अब निकालते हैं इसको। तो अभी कूलर वगैरह पहले बाहर निकालते हैं सबसे पहले। तो अब निकालते हैं अपनी सीट को, ये जो टूटी हुई है। तो देखते हैं अब इसका क्या सीन बनता है। हाय हाय, तो यहाँ रखते हैं अपने कंबल वगैरह सबको, इसको निकालना है। तो पहले सबसे पहले इसको चेक, ये फॉर्म है इसमें डालनी है जो हमने लाई है। चिड़ी उठाओ इसको, देख दिखाता हूँ अभी मैं कहाँ से टूट, क्या प्रॉब्लम है। तो देख सकते हो उठाना चिड़ी, चिड़ी उठाओ इसको, उठाओ इसको, उठाओ इसको। तो गाइस चेक करो, चेक करो बाबियों, ये देखो सीट, सीट के दो पास पासे हो चुके हैं, चेक कर सकते हो आप। चिड़ी बाबा इतना जोर नहीं लगाओ, देखो छड़ा छड़ा थोड़ी है उसकी। तो मित्रों चेक करो यहाँ से, ये देखो वो अलग हो गई। यहाँ से इसके नेट खोलते हैं, तो फिर इसको लेके जाते हैं घर पे और करते हैं इसको रिपेयर। तो भाई यहाँ सीट को उठाते उठाते हालत बुरी हो चुकी है। तो अभी हमने इसको खोल दिया पूरी नेट वगैरह इसके। तो ये देखो भाई ये हुआ हुआ इसके साथ। तो ये नतीजा हुआ है बेस ट्यूब लगाने का। तो अब इसको लेके जाते हैं घर पे और करके लाते हैं चिड़ी रिपेयर इसको। तो चलो भाई निकालो इसको बाहर। तो ये रहे इसके नट वगैरह, यहाँ सारा सामान वगैरह खोला। इसको बाद में सेट करेंगे, सबसे पहले अपनी सीट को बाहर निकालते हैं और फिर आगे का सीन चेक करते हैं अब क्या करना है इसके साथ और क्या नहीं। चेक करो, चेक चेक करो चिड़ी बाबा क्या हाल हुआ है सीट के। हैं चिड़ी बाबा परांदे लगाए अपनी गाड़ी में। आए हाय हाय, आय हाय हाय, आय हाय हाय, क्या चमक रहे हैं चिड़ी। क्या हाल हुआ है, तो अब गाड़ी अपनी कर दी है बंद। तो क्योंकि सीट तो हमने अब निकाल दिया, तो अब इसको लेके जाएंगे घर पे और करते हैं इसका रिपेयर। चिड़ी बाबा ये क्या कर रहे हो भाई, व्हाट आर यू डूइंग। तो चिड़ी भाई आज हमारा नोटी हो रहा कुछ, तो अभी इसको घर पे लेके जाते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। जिसको अगर रिपेयर होती बात ये तो करते हैं, नहीं हो पाते तब भी करेंगे, करेंगे तो करेंगे कुछ इसका। तो छुपते आवाज नहीं, कितनी प्यारी लग रही है परांदे, तो आप देख सकते हो ये वाले हैं। हमने अपनी सीट को रिपेयर कर लिया अभी पूरी तरह से।
देख सकते हो ले आए हैं रिपेयर करवा के। चिड़ी क्या चक्कर है? तो गाइस ले आए हैं अपनी सीट को रिपेयर करवा के। उधर मैं ब्लॉग नहीं बना पाया समझ सकते हो ना आप थोड़ा सा, तो चिड़ी छोटा सीधा कर रही है फड़ आए। तो गाइस करवा लाए हैं इसको जुड़वा के, तो अब लगाते हैं इसको अपनी गाड़ी में। तो सा चढ़ा रहे हैं मैनू फड़ नू। गाइस देख सकते हो क्या ही हालत कर दी हमने अंदर की अपनी गाड़ी की। तो अब लगा फड़ फट 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 सर दू सर तु चला रख बुरी हो चुकी है। तो अब हम कस रहे हैं सीट के नेट लगा तो दिया है, दूसरी साइड से रह गई है वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले इस साइड को कर रहे हैं तो सीट अब हमारी ओके हो गई एकदम। तो बाकी का देखते हैं अब कैसी है, एक बार लगा के चेक करते हैं। बाकी खिलार आप चेक कर सकते हो गाड़ी में, तो ठीक ठाक हो गई है भाई। एक साइड से तो महरान भाई कस रहे हैं, तो ये हमारा नुकसान हुआ बेस ट्यूब लगाने की वजह से। तो आप लोग भी अब मत लगवाना गलती से, तो जैसे आपकी गाड़ी का साइज है उसी हिसाब से लगवाना, वरना मत ही लगवाना क्योंकि इससे भारी नुकसान हो सकता है। तो अभी हमारी सीट ही टूटी थी लेकिन अब इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा क्योंकि ये सेट थोड़ी ना बैठेगी। तो देखते हैं जब तक चलती है ठीक है, चेंज करवा देंगे। महरान भाई तो भाई नट तो नहीं डला अभी। गाइस बुरी हालत हो चुकी है, अब फाइनली नेट लग चुकी है, लास्ट नेट है। तब देखते हैं इसके बाद क्या बनता है। तो गाइस बुरी हालत कर दी है सीट की वजह से। देखो 2 घंटे तो इधर ही हो गए हैं। गाइस 2 बजे आए थे, टाइम देख सकते हो कितना हो रहा है, 5 बजने वाले हैं। 3 घंटे इसने ले लिए लेकिन अभी तक सेट नहीं हुई है ये। तो अब फाइनली हो चुकी है सीट सेट हमारी, तो चेक करो भाभी चलिए। हमारी सीट एकदम सेट सेट एंड सेट एंड फाइन हो चुकी है। तो अब लगाते हैं ये सब और अपना काम खत्म करके चलते हैं फाइनली घर पे। तो ये वाला व्लॉग आपको जल्दी ही यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। लाइक और कमेंट शेयर करके जाना और ये जरूर बताना कि हमें आगे व्लॉग चाहने व्लॉग मतलब अपलोड करने चाहिए या नहीं। तो फाइनली अपना काम पूरी तरह से हो चुका है खत्म, तो ये भी लगा दिया हमने जो गए तो गया वो साफ करने एकदम, तो कर रहा है। तो ये देख सकते हो ये लगाए हैं हमने न्यू, कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना। और भी लगाएंगे मतलब ऊपर छत पूरा एकदम क्लीन वगैरह करेंगे। ओ वाह और गंदा कर लिया था दूसरी साइड दिखी। अपना काम शुरू खत्म हो चुका है, तो 6 बज चुके हैं, अब बुरी हालत हो गई है भाई। अब घर पे जाएंगे नहाएंगे और फिर आगे की देखेंगे क्या सीन है। तो ब्लॉग थोड़े दिनों से नहीं आ पा रहे क्योंकि भाई आपका थोड़ा सा बिजी है, पर आज से हम चैलेंज लेंगे डेली ब्लॉग अपलोड करने का। तो 30 डे चैलेंज देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अगर हमारा चैनल ठीक ठाक जाता है तो आपका भाई फिर रेगुलर हो जाएगा और लॉन्ग वीडियोस फिर हम रेगुलर डालेंगे अगर आप लोग कहते हो तो, वरना हम नहीं डालेंगे कोई चक्कर नहीं। तो चेक करो सब देखिए। तो गाइस चलते हैं अब अपने फाइनली घर पे, तो देखते हैं अब आगे का सीन। तो ये रहा हमारे साथ।